ब्लड कॉर्पसल्स का जो नेक्स्ट टाइप है जिसको जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, वो है प्लेटलेट, जिसको कि हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है रुधिर का थक्का जमाना। दैट मीन्स अगर कहीं पे कट जाए या कुछ खरोच लग जाए तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगी। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा इस तरह की पुष्टि की गई थी? तो ये लैंडस्टीनर के द्वारा इसको इस तरह से दिया गया था, ठीक, जिसमें जो चौथा ब्लड ग्रुप है इसकी खोज सबसे बाद में हुई थी। ब्लड ग्रुप ए को हम ए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ए एंटीजन, दैट मीन्स ए प्रोटीन उपस्थित होता है और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन उपस्थित हो तो उसको हम ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो पूरे इंडिया में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 23.5% है। इसी तरह से जो बी ब्लड ग्रुप है, इसके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बी एंटीजन, दैट मीन्स एंटीजन एक प्रोटीन है, बी एंटीजन उपस्थित होता है और उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी पाया जाता है। और अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? 34.5। ए बी ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप में जो इसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ए बी दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, बट प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। अगर पूरे दुनिया में अगर इंडिया में देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है कितनी है? 7.5% है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इसके प्लाज्मा में ए बी दोनों तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं और पूरे इंडिया में देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या 34.5% है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।